जिनको आप थंबनेल में देखा था, जैसे कि तीन चार अंकल खड़े हैं, उससे बाबू तुम्हारा ये वीडियो समाचार में आएगा क्या? मतलब समाचार में बेचोगे ये वीडियो? तुमको मैं बता दूँ, समाचार में नहीं आएगा, जैसे आप लोगों जैसा कि 1:09 हो गया, मीन्स बहुत लेट हो चुका है। जहाँ 6 बजे मेरी वीडियो आ जाती थी, बट अभी लेट हो गया अपलोड होने में, तो अभी अपलोड पे लगा दिया। 45% हो गया है, अभी आ जाएगी थोड़े टाइम में, तो इसको तो अपलोड होने देते। और आज आज की बात करते, आज जाएंगे हम लोग एक प्लेस को एक्सप्लोर करने। बट उससे पहले मुझे मम्मी कब से बुला रही है, खाना खाने जाते हैं। खाना खा के मिलता हूँ मैं आप लोगों को फटाफट। गाइस ये बहुत बड़ी इशू हो गई, मैं मानता हूँ यार 6 बजे अपलोड हो जाने चाहिए थे यार 1 बज का, क्योंकि ना थोड़ा मतलब पार्ट है ना, वीडियो बहुत लंबी हो गई, वैसे भी बहुत लंबी हो गई, 24 मिनट की हो गई है। बट कोई नहीं, ये चैलेंज है तो उतना तो चलता ही है। तो फिर कोई नहीं, चलते खाना खा के आते और फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को। मैं दिखाता हूँ आज क्या बना हुआ है, तो फिर चलते किचन में। बना है दाल चावल और अपना ये बैंगन का भरता, जो यूपी में बहुत ही फेवरेट है, और ये रही मिर्ची की अचार। तो फटाफट इनको फिनिश करते और चलते फिर एक्सप्लोर करते। गाइस मेरा खा के भी हो गया है और अब मुझे जाना पड़ेगा आदेश को ट्यूशन छोड़ने, बिकॉज उसके कल पेपर्स हैं। तो उसको छोड़ के आते हैं, फिर थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। चलो गाइस, आदेश को ट्यूशन छोड़ दिया, फ्रेंड्स के साथ भी गया, और अब हम चलते हैं। फाइनली मैं घर पे आ गया, आदेश को ट्यूशन छोड़ दिया, और अब थोड़ा सा वेट करते और फिर फटाफट निकलते जगह को एक्सप्लोर करने, मीन्स थोड़ा घूमने फिरने। वो जगह को एक्सप्लोर क्या करेंगे, क्योंकि मतलब ऑलरेडी बहुत लोग वैसी जगह पे जाते रहते, तो उसमें एक्सप्लोर करने जैसा तो कुछ नहीं, बट व्यू बहुत अच्छा आता है। तो फिर फटाफट रेडी हो जाते थोड़े टाइम में और फिर निकलते, मिलता हूँ मैं आपको। गाइस मैं आ चुका हूँ नीचे, जैसे कि मेरे पीछे एक्टिवा है, आज हम लोग जाएंगे एक्टिवा से, बिकॉज इलेक्ट्रिक तो आदेश लेके गया है। तो फिर निकलते, क्योंकि आज मुझे करना है अकेले थोड़ा घूमना फिरना है, तो अकेले घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे, बहुत अच्छा व्यू आएगा, बहुत अच्छा व्यू आता है। क्योंकि वो देखो ब्रिज है, नीचे पानी है ना, तो आप लोग समझ सकते हो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का व्यू रहता है। फटाफट चलते हैं और देखते हैं व्यू। चुका है एग्जैक्ट लोकेशन पे, जैसे कि इधर आके मुझे बहुत खुशी हो रहा है, बहुत माने बहुत, क्योंकि बहुत दिन बाद आया और आते ही ऐसा नज़ारा यार, बहुत ही मतलब ऐसा नेक्स्ट लेवल लग रहा है, एकदम एक्सट्रीम। दिखाता हूँ मैं आप गाइस, देखो एकदम नेक्स्ट लेवल। और उस साइड है हमारा टाउनशिप साइड, और मैं आया था इधर हाईवे के पास से, वो देखो वो टाउन, मतलब वो उधर का वो टाउन है, ये ब्रिज है ना, नेक्स्ट लेवल कुछ। फिशिंग होती है, बहुत टाइम बाद में इधर आया हूँ, करीबन 8 से 9 महीने बाद आया हूँ, तो आके इतना अच्छा लग रहा है ना। मतलब इधर पहले थोड़े पेड़ भी थे, वो पेड़ हटा दिया है, उसमें उतना फर्क नहीं चल रहा है, बट मतलब वो थे तो ऐसा याद है। बाकी देखो इधर एक नेट लगा हुआ है, वो देखो मेरे पीछे एक नेट दिख रहा होगा, वो नेट पे है ना, मतलब वो नेट को फिश ब्लॉक करने, फिश पकड़ने के लिए। तो आप लोग को मैं कैमरा उधर जूम करके दिखाता हूँ, देखना ऐसा आपको फिश दिखेंगी, फिश कैसा ऐसा जाल में से ऊपर नीचे हो रही है ना, तो देखो तो मैं जूम करता हूँ, रुको, वाइट कलर की आएंगी, वेट करते थोड़ा। देखो देखो देखो, देखा देखो कितनी सारी है भाई, बहुत सारी फिश है। मैं पहले इधर आता था ना, तो ऐसा फ्रेंड्स भी रहते थे, तो हम लोग इधर बैठता, जिसको वीडियो बनाना रहता था वो वीडियो बनाता था, मैं तो उधर बैठा रहता था। आज क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर जाके बैठ भी नहीं सकते। वो देखो पानी पहले कम रहता था ना, वो जो सर्कल है ना, ये स्टार्टिंग वाला, उस पर बैठ सकते थे, इतना इतना था, मतलब इतना गैप रहता था कि बैठ सकते थे आराम से, पानी का पानी थोड़ा दूर रहता था। लेकिन बट आज बहुत आगे, पता नहीं कैसे दरिया भरता है, तो ये भी भरता है,
नहीं बैठ सकते उधर, बट कोई नहीं, इधर से भी व्यू बहुत ऐसा, मतलब कहते हैं ना कैमरे में देखना और मतलब जैसा खुद के सामने से देखना एक एक्सट्रीम लगता है, सामने से देखोगे ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब बहुत। ऐसे देखो क्रैब है, जैसे कि आप लोगों ने देखा दो टाइप के क्रैब्स थे, एक रेड वाला और ग्रे वाला, बाकी मुझे परफेक्ट पता तो नहीं है कौन सा, उसमें से पॉइजन वाला शायद रेड वाला था, तो कोई नहीं मैं आपको बोट दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये बोट है ना, ऐसा मच्छी के पकड़ने जाएगी अंदर, और करीबन 6 महीने 7 महीने ये पानी में अंदर ही रहेंगे, उधर से आने में इनको इतने 6 महीने, मतलब सोचो ना अंदर जाना, खाना पीना बनाना यार, रहना और वॉमिट में, वॉमिट टाइप का प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों को, ऐसा बहुत लोगों को क्या, अगर पानी में मैक्सिमम आप भी रहोगे ऐसे ना तो होगा ही, जिनको नहीं होता है भाई वो कमेंट में बता देना, बाकी मुझे खुद को होता है मतलब ऐसा 1-2 घंटे में हो जाता है, लेकिन थोड़ा ऐसा फील होने लगता है, बट कोई नहीं मैं आपको बोट दिखाता हूँ। चलो कहीं पर रहते हो, बोट पर ही? बोट पर ही ऐसा पूरा टाइम बोट के बाद में घर पे छुट्टी करके जैसे लग रहा है खाना बन रहा है पीछे। हाँ खाना बन रहा है गाइस। ये और वो, ये दोनों बोट नहीं रहती है, वो अलग सी बोट आती है, वो इधर रहती है ना आगे। बाकी कैसा ऐसा बोट पे बैठे बैठे ऐसा उल्टी उल्टी जैसा नहीं होता अभी, पहले होता होगा? नया होता है उसको, होता ही नया नए वालों को, आप लोग को तो एकदम अभी है। सही है गाइस यार, मेहनत तो देखो इसमें भी स्ट्रगल बहुत है गाइस। आप लोग कोई भी कमेंट में एक बोट का प्राइस बता सकते हैं मुझे? क्या बताऊं, करीबन 3-4 लाख रुपए तक होगी ना, कितने लाख, लाख तक, 3-4 लाख ऐसे देखो मुझे पता, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड भी इधर के, ये तो क्या अलग ही नज़ारा है एकदम गाइस देखो। चलो थैंक यू अंकल बताने के लिए, हाय बोल दो, हेलो कि आप लोगों ने, अंकल से मैंने बात किया, मतलब आसान नहीं होता यार अंदर जाना रहना जो भी है, ये वाली बोट तो सिर्फ 20 दिन के लिए जाती है अंदर, बाकी जो वो है वो जो ब्लू कलर की है वो भी मैक्सिमम 2-3 महीना रहती है, बाकी यार सोचो इतना टाइम पानी में रहना, और ऊपर से रिस्क सबसे बड़ी बात रहती है यार, बहुत ज़्यादा सब बोट पर छेड़ना। और गाइस पता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये सारे बोट्स के लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस और बोट का इंश्योरेंस अगर नहीं होता है तो पेनल्टी बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत ही लोग को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं सोचा बता देता हूँ। चलो फिर अब घर निकलने का टाइम भी हो रहा है, थोड़े टाइम रुकेंगे और फिर निकल जाएंगे। फाइनली अब निकलते घर के लिए, मैं तो आया था थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, बट इधर आके इतना अच्छा लगा कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया इधर, करीबन कुछ 1-1.5 घंटा निकाल दिया। आप लोगों को वो ब्रिज के ऊपर से व्यू दिखा था, वो भी एक्सट्रीम दिखता है, तो फिर चलते गाइस। हम लोग फाइनली के ऊपर आ चुके हैं, मैं गाइस आप लोग को इधर से व्यू दिखा था जो एकदम एक्सट्रीम लाइट हाउस वो सब इधर से दिख रहा है। लाइट हाउस तो शायद कैमरे के रेंज में नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा आगे का व्यू देखो। फाइनली अब घर के लिए निकलते हैं, बहुत हो गया हाँ एक्सप्लोर तो अभी निकलते हैं, क्योंकि घर से फिर फोन आने लगेगा बेचारो, उससे पहले मैं पहुंच जाऊँ। आदेश भी ट्यूशन से आ गया, और मम्मी पता है आज का व्यू बहुत अच्छा था, नारगोल बीच के साइड का बहुत अच्छा था, आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ ब्लॉग में। अच्छी बात भाई, देखो अब सब्जी है,
और अभी भी कुछ छूट गया आज से जो मुझे लेने जाना है। तो फिर मैं ये ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। 1:08 हो रहा है और अभी वीडियो ही एडिट हो रही है, तो इसको एडिट होने देते हैं और दिल से सॉरी। अरे